स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल खान लर्निंग क्लास। मैं हूं अजरा खान और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं गणित विषय से रिलेटेड गणित पैडागोजी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा ये 30 क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में हम गणित पैडागोजी के पूरे 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे, उनको समझेंगे और अच्छी तरह से उन क्वेश्चंस को हम याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? क्रैथवाल ने, स्किनर ने, सिंपसन ने या फिर ब्लूम ने? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लूम ने इसका योगदान, मतलब सर्वाधिक योगदान ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में ब्लूम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। गणित शिक्षण, मैथ जो टीचिंग होती है उसके जो प्रेरणात्मक मोटिवेशनल जो मतलब सिद्धांत हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके सूत्र क्या हैं? सो सक्रियता है, सजीवता है, उपर्युक्त दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? सो गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र क्या हैं? ऑप्शन नंबर बी, सजीवता, मतलब उसमें वस्तुओं को सजीव दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है बालकों को लुभाने के लिए, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, मतलब बच्चों का जो ध्यान है विषय से हटाने के लिए, या बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, या बालकों के मनोरंजन के लिए। तो गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? सो ऑप्शन नंबर सी, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, कि बच्चे कुछ डिफरेंट टाइप से सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। यदि आपको किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए आप कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि या फिर संश्लेषण विधि? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप क्रिया करवाएंगे पहले बच्चों से, तब उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप यूज़ करेंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है, टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है वर्गीकरण, संगत व तर्कयुक्त, क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम या क्रमिक विस्तार प्रक्रिया? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम इसका टैक्सोनॉमी का अर्थ हो सकता है। नेक्स्ट है गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ या फिर समाजशास्त्र के साथ? तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब इन तीनों के साथ तो होगा नहीं, तो विज्ञान के साथ ही होगा क्योंकि उसमें ही डायग्राम वगैरह, ठीक है ना, और सूत्र वगैरह जो ऐसे हल करने के लिए आते हैं, समीकरण वगैरह, तो वो गणित से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल या भाषा? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब चिंता, बच्चा सोचेगा किस लिए चिंता करेगा, गणित की, अरे ये सवाल कैसे करूँगा, ये सॉल्व कैसे करूँगा। बोध मतलब समझना भी होगा, तर्क भी लगाना होगा, विश्लेषण भी करना होगा, तो इसको इसकी क्षमता को यदि बढ़ाना है तो वो कौन सा विषय है? गणित। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? वृत्त की परिधि, सर्कमस्टेंस ऑफ सर्कल, विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि या फिर निगमन विधि? कौन सी विधि यूज करेंगे आप? तो आप करेंगे ऑप्शन नंबर डी, निगमन विधि, जिसमें पहले नियम, सूत्र, क्योंकि गणित में तो पहले सूत्र बताना जरूरी है तभी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तो गणित में सबसे ज़्यादा हम अगर यूज़ करेंगे तो वो करेंगे निगमन विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? बालक में स्वाभाविकरण मतलब स्वभाव की प्रक्रिया जो है वो किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? ज्ञानात्मक क्रिया से, संवेगात्मक क्रिया से, क्रियात्मकता से या प्रत्यक्षीकरण से? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वह उद्देश्य जो शिक्षण
शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। मतलब जब हम कक्षा कक्ष के अंतर्गत अपना प्लान लेकर जाते हैं, अपने उद्देश्य लेकर जाते हैं कि आज इन उद्देश्यों को पूरा करके हम क्लास से निकलेंगे, हमारे जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उनकी पूर्ति करके ही हम कक्षा कक्ष से बाहर आते हैं, तो वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या फिर उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी, मतलब शिक्षण उद्देश्य होंगे वो सांस्कृतिक क्यों लेकर जाएंगे, सामाजिक उद्देश्य भी नहीं लेकर जाएंगे हम कक्षा कक्ष में बच्चों के बीच, तो हम कौन सा उद्देश्य लेकर जाते हैं, हम लेकर जाते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब शिक्षण उद्देश्य। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण उद्देश्यों का मतलब क्रम से वर्गीकरण किया गया है बैकन द्वारा, शूल्टन द्वारा, कॉमेर द्वारा या फिर ब्लूम द्वारा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्लूम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रेखा गणित का संबंध है संख्याओं से, प्रसार व विस्तार से, अंकों से, प्रतीक चिन्हों से। तो रेखा गणित का संबंध किससे, ऑप्शन नंबर बी, प्रसार व विस्तार से संबंध है। नेक्स्ट है साधारणते एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं, 10 से 20 होते हैं, 30 से 40 होते हैं, 20 से 30 होते हैं या 20 से 40 होते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 40 फ्रेम होते हैं। मतलब एक फिल्म स्ट्रिप में जब भी आप बैठते हैं देखते हैं तो उसमें कितने फ्रेम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 20 से 30 फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है, मतलब साइंटिफिक मेथड बेस्ड, उपयुक्त मतलब जो प्रॉपर जो मेथड है वो क्या है, योजना विधि है, निगमन विधि है, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे ये विधि है या फिर उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी इसमें जरूरी है क्योंकि वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी है, ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है समझ, बुद्धि, प्रयोग या ज्ञान। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि नहीं है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, यदि हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, करिकुलम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसका सिद्धांत क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, किस सिद्धांतों पर उसका निर्माण किया जाना चाहिए। समन्वय व सुसंगठितता होनी चाहिए, उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का हो, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का हो या फिर उपर्युक्त सभी का हो। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जरूरी हैं तभी हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। वृत्त की परिधि और व्यास में यदि संबंध स्थापित ज्ञात करना है हमें किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि या फिर प्रयोगशाला विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशाला विधि के माध्यम से हम परिधि और व्यास में संबंध ज्ञात करने की विधि को प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है बीजगणित यथार्थ में है, मतलब बीजगणित को वास्तविकता क्या कहा गया है, अंकगणित, रेखागणित, सामान्यीकृत गणित, अंकगणित या फिर उपर्युक्त सभी। तो बीजगणित यथार्थ में वास्तव में क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सामान्यीकृत अंकगणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दैनिक पाठ्य योजना मतलब डेली लेसन प्लान के निर्माण में सम्मिलित होता है क्या, विषय वस्तु का चयन मतलब चूज करना, कंटेंट को चूज करना, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करना, शिक्षण विधियों का निर्माण या फिर उपर्युक्त सभी। तो दैनिक पाठ्य योजना में क्या क्या जरूरी होता है, सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि विषय वस्तु का चयन भी जरूरी है, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण भी जरूरी है, शिक्षण विधियों का निर्माण भी बहुत जरूरी है, तो उपर्युक्त सभी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण यानी सामग्री क्या होनी चाहिए, त्रिभुज की रचना करने के लिए आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, कंपास हो, पैमाना, पेंसिल या फिर उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने भी बहुत त्रिभुज बनाए पढ़ाई करते समय। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपास तो जरूरी है, पैमाना भी जरूरी है और पेंसिल तो बहुत जरूरी है, सो उपर्युक्त सभी मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है, गणित जो है सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है मतलब चाबी है, यह विचार किसका है, डटन का,
हॉगमैन का, रोजर बैकन का या फिर पी सैम्यूअल का। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजर बैकन ने ये सिद्धांत सॉरी विचार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग करना, गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, मतलब बच्चों को सिंबल भी पता होने चाहिए कि कौन सा माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन जो भी है। सो गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, गणितीय सिद्धांत की सही समझ होना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि गणितीय सिद्धांत की सही समझ होना, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। गणित शिक्षण का जब मूल्यांकन होता है तो उसका ब्लूप्रिंट क्या है, उसमें विद्यालय की आधारशिला है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है, शिक्षण की आधारशिला है या फिर छात्रों की आधारशिला है। तो आप समझ गए होंगे कि किसकी आधारशिला है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही हम प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए। ब्लूम जो हैं उन्होंने किस आधार पर सीखने के लिए उद्देश्य निर्धारित किए, वातावरण के, व्यवहार परिवर्तन के, विषय वस्तु के या फिर बौद्ध पक्ष के। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य निर्धारित किए हैं सीखने के लिए, किसने, ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है, व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण, मतलब व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है, पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्य पुस्तक का गहनता से विकास करना या फिर उपर्युक्त सभी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज दैट गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। गणितीय निष्कर्ष जो हैं वो सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि सभी को मान्य होते हैं, क्योंकि ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ये तर्क पर आधारित होते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं या फिर उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, सार्वभौमिक हैं, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक हैं या फिर कोई नहीं है इसमें। तो गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होंगे, तो वो होंगे ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठ भी होंगे और सार्वभौमिक भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है। ज्ञानात्मक पक्ष से देखा जाए तो, मतलब सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है, ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर मूल्यांकन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन। सबसे उच्च उद्देश्य क्या है, तो वो है मूल्यांकन है, क्योंकि उससे ही हम अपने उद्देश्यों को सफल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट अबेकस का प्रयोग। अबेकस तो आप जानते ही होंगे, छोटे छोटे जब हम बचपन में थे स्लेट पर लिखते थे, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में के शिक्षण में प्रभावी होता है, बोलना सिखाने में, लिखना सिखाने में, गिनती सिखाने में या हस्तलेख सिखाने में। तो वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबेकस के माध्यम से हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं। सो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता या फिर सभी। तो गणित विषय की विशेषता क्या है, सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी हैं इसमें, तर्कपूर्णता भी है, परिणामों को निश्चित होना भी ज़रूरी और शुद्धता तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।